जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे थे जिनका मानना था कि इस साल इंग्लैंड की टीम अपना दूसरा टाइटल जीत सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, 2023 में जीत कर आई है तो 2024 में भी जीत सकती है, और कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान को भी एक डार्क हॉर्स बताया था। लोगों का मानना था कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम फाइनल खेली थी, तो यू नेवर नो इस साल भी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाए। लेकिन चलिए, इन तीनों टीमों की कहानी तो टीम इंडिया ने पूरी कर दी, क्योंकि इंडियन टीम ने ना सिर्फ इन तीनों टीमों को हराया बल्कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब इंडिया और साउथ अफ्रीका खेलने वाली हैं बारबाडोस के मैदान पे T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला। अब वैसे इन सभी टीमों के अलावा इंडिया को भी बहुत लोगों ने बैक किया था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, कमेंटेटर्स थे जिन्होंने कहा था कि इंडियन टीम भी इस साल वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए एक बड़ी फेवरेट्स है। लेकिन किसी टीम को अगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बैक नहीं किया था तो वो साउथ अफ्रीका की टीम थी, और इस टीम के साथ यही कहानी है। जब भी वर्ल्ड कप आता है, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, ये टीम बड़ी डार्क हॉर्स रहती है, अंडररेटेड रहती है, अंडर अप्रिशिएटेड रहती है। बहुत लोग बात नहीं करते कि साउथ अफ्रीका भी फाइनल में जा सकती है या वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत सकती है। लेकिन इस साल सिर्फ इंडियन टीम नहीं है जिसने सारे मैचेस जीते हैं और सारे मैचेस जीतकर वो फाइनल में पहुंचे हैं, साउथ अफ्रीका भी ऐसी टीम है जो कि सारे मैचेस जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और अभी भी लोग इस टीम को बहुत अंडररेटेड कह रहे हैं, अभी भी लोग इस टीम को बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अभी भी लोगों का मानना है कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने का। लेकिन क्या इंडिया टीम के लिए इतना आसान होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये कि क्या इंडियन टीम के लिए साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराना इतना आसान होगा जितना लोगों को लग रहा है? तो मैं एक बात आपको साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आसान बिल्कुल नहीं होगा। जितना मुश्किल ऑस्ट्रेलिया को हराना था या इंग्लैंड को हराना था, साउथ अफ्रीका को हराना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो एक कंबाइंड यूनिट की तरह खेली है। चाहे आप इस टीम के बैटिंग को देखें, बॉलिंग को देखें, फास्ट बॉलिंग देखें, स्पिनर्स को देखें, एक कंप्लीट टीम नज़र आती है। तो चलिए आज ज़रा एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी, इन दोनों के बीच में 5 चैलेंजेस क्या हैं जो साउथ अफ्रीका की टीम सामने रखने वाली है। अब सबसे पहले इंडिया की अगर जर्नी देखें तो पहले पाकिस्तान को 6 रन से हराया, ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया और इंग्लैंड को 68 रन से हराया। ये तीन वो टीम थी जिन पर बहुत लोगों ने दांव खेला था कि ये वर्ल्ड कप फाइनल खेल सकती हैं। अब इंडिया ने इन सबको तो बाहर कर दिया, लेकिन अब है सामने साउथ अफ्रीका की टीम, और साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से सबसे बड़ा चैलेंज फेस करेंगे कप्तान एडन माकरम द बैट्समैन, क्योंकि एडन माकरम वो मिदास टच वाली कहानी है इनके साथ, जिसको सूते हैं वो सोना बन जाता है, जिस चीज़ को ये छू लेते हैं वो सोना बन जाता है। और इसकी शुरुआत अंडर-19 वर्ल्ड कप से हुई थी। एडन माकरम कप्तानी कर रहे थे जिनकी कैप्टेंसी में साउथ अफ्रीका ने पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग है, ऐसे T20 ट्रॉफी वो दो बार जीत चुके हैं, मतलब दो ही बार टूर्नामेंट हुआ है और दोनों बार ट्रॉफी एडन माकरम की टीम ने जीती है। अपने पहले ही अटेम्प्ट में साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर चले गए, और अब यहाँ से एडन माकरम का जो रोल है एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल देखा, हमने देखा कि जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं वो थोड़ी स्लोअर साइड पे हैं, और अगर साउथ अफ्रीका टीम में कोई स्पिन को सबसे बेहतर खेलता है या जिसके पास वो पेशेंस है, जो आराम से खेल सकता है, पारी बना सकता है, सिंगल डबल्स ले सकता है, वो एडन माकरम है। जो काम इंग्लैंड की टीम में नहीं कर पाया कोई प्लेयर, वो एडन माकरम कर सकते हैं, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है एडन माकरम, एडन माकरम द बैट्समैन और एडन माकरम द कैप्टन। अब चलते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ, क्योंकि दूसरे चैलेंज की अगर आप बात करें तो वो होगी साउथ अफ्रीकन टीम का पेस ट्रायो, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा और एनरिक नोकिया। तीनों खिलाड़ियों ने इस साल क्या कमाल की गेंदबाजी की है। सामने जो भी टीम आई हो, इन पेसर्स का सामना करना किसी के लिए आसान नहीं हुआ। सबसे पहले एनरिक नोकिया, इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के लीडिंग विकेट टेकर, 8 मैचेस में 13 विकेट चटकाए हैं, इकोनॉमी है 5.64 का। रबाडा बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, रबाडा के पास 8 मैचेस में 12 विकेट हैं, इकोनॉमी 5.88 का है। हाँ ठीक है, मार्को यानसन थोड़ा सा पीछे हैं, 8 मैच में 6 विकेट हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर है, और जब रोहित शर्मा और विराट कोहली या इंडिया का टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आता है तो हम सब जानते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो इंडियन टीम को ये साउथ अफ्रीका का जो पेस ट्रायो है इससे बचकर रहना होगा। अब पेस ट्रायो अगर शेर है तो स्पिन ट्रायो तो भैया सवा शेर है, एक्चुअली ट्रायो नहीं, वैसे वो डुओ है, लेकिन ट्रायो भी बन जाता है कभी कभी। इस टीम के पास केशव महाराज और तबरेज शमसी के रूप में दो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो एडन माकरम भी कमाल की बॉलिंग कर देते हैं।
तबरेज शमसी ने इस साल 4 मैचेस में 11 विकेट चटकाए हैं 7 के इकोनॉमी रेट से। इसके बाद अगर केशव महाराज की बात करें तो 7 मैचेस में उनका भी जो इकोनॉमी है वो लगभग 6 के आसपास का है। और सच में जिस हिसाब से हमने स्पिनर्स को इस साल रूल करते हुए देखा है, तबरेज शमसी और केशव महाराज के पास वो काबिलियत है कि वो एक टप्पे पे बॉल डाल सकते हैं, बॉल को स्पिन करा सकते हैं। और इंडियन टीम जब जब क्वालिटी स्पिन खेलती है हम सब जानते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं। और एडन माकरम भी इस टीम में है, तो इस टीम के पास वैरायटी है बॉलिंग अटैक में, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिन बॉलर्स अच्छे हैं, तो इंडिया के लिए इन्हें पार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। चौथे चैलेंज की बात करें तो वो होंगे एनरिक लासन और डेविड मिलर, दो ऐसे खिलाड़ी जो इंडियन कंडीशंस में बहुत खेल चुके हैं, आईपीएल बहुत खेल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी रेपुटेशन भले ही वो बिग गन्स वाली है कि बड़े शॉट्स खेलते हैं, पावर हिट्स लगाते हैं, लेकिन ये प्लेयर्स आराम से भी खेल सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं डेविड मिलर और क्लासन ने बहुत सारी ऐसी पारियां खेली हैं जब उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की है। क्लासन ने 5 मैच में 108 रन बनाए हैं 36 के एवरेज से, डेविड मिलर ने 5 मैच में 101 रन बनाए हैं 33 के एवरेज से। और दोनों प्लेयर की सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, अगर बड़े शॉट्स चाहिए तो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, और अगर रुक कर संभल कर खेलना है तो ये वैसी भी बैटिंग कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए क्लासन और डेविड मिलर का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और आखिर में अगर साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े चैलेंज की बात करें तो वो होंगे क्विंटन डी कॉक, एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडियन टीम के सामने प्रोबेबली सबसे अच्छा बैट्समैन है साउथ अफ्रीका का। हेड टू हेड में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन हैं। और सबसे बड़ी बात, क्विंटन डी कॉक वो रिलायबल प्लेयर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस इतना है कि अगर क्विंटन डी कॉक चल गए तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 मैचेस में 122 रन बनाए हैं 24 के एवरेज से, 137 के स्ट्राइक रेट से, और इस पूरे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो जितना खतरा क्लासन से है, डेविड मिलर से है, एडन माकरम से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा क्विंटन डिकॉक से है। क्योंकि अगर ऊपर से डिकॉक ने रन बना दिए, अगर डिकॉक ने वो अर्शदीप और बुमराह को डोमिनेट करना शुरू कर दिया तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना वो सपना ही रह जाएगा। लेकिन आप बताइए, इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जो इंडिया के सामने है वर्ल्ड कप फाइनल में, और क्या आपको लगता है कि ये 5 चैलेंजेस इंडिया ओवरकम करके T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।